यहाँ से सूल बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर और बहुत अब नंबर में अभी जम्मू में पढ़ते हुए लद्दाख के स्टूडेंट्स आए हैं जमयांग सिंह नमग्याल जी को स्वागत करने के लिए, क्योंकि हमारे तरफ से उनसे बहुत उम्मीद है। फॉर द फर्स्ट टाइम लद्दाख से 34 इयर्स का इतना यंग एमपी बना है, तो जो अभी तक नहीं हुए लद्दाख में, जो हम उम्मीद करते हैं कि वो शिक्षा में हो या डेवलपमेंटल लेवल पे सारे उस पर मतलब अलग से हट के कुछ काम करे, और हमारा उनसे बहुत उम्मीद है, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए। डिलिमिटेशन का आपने सुना होगा, क्योंकि ले का जो एरिया जो है बहुत बड़ा है, 4 सीटें हैं टोटल, आपको बिल्कुल सही डिसीजन लगता है जिससे सीट्स बढ़ जाएंगी? हाँ जी, हाँ जी, डिलिमिटेशन जो है, अब मुझे लद्दाख और जम्मू की ओरिएंटेड देखा जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा रिप्रेजेंटेशन आज तक कम रहा है, और स्टेट में मेन जो पॉलिटिकल लेवल पे हमारा रिप्रेजेंटेशन रहा ही नहीं है। फॉर एग्जांपल सीएम पे ना जम्मू से ना लद्दाख से तो कोई चांस नहीं, फिर भी हम चाहते हैं कि लद्दाख की तरफ से अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो। और डिलिमिटेशन में एक चीज़ हम स्ट्रेस करना चाहते हैं, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, जंस्कार जो है, जंस्कार अभी जो सब डिविजन है करगिल में, जंस्कार को एक MLA दिया गया था 1989 में, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन वो रिवाइज करके 1992 में जंस्कार के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ फारूक अब्दुल्ला के गवर्नमेंट के अंडर। उस टाइम क्या किया गया, जंस्कार के साथ करगिल के एक बड़ा सा इलाका है जिसका पॉपुलेशन जंस्कार से काफ़ी ज़्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेटेड है, उसको जोड़ दिया गया। इसलिए आज तक जंस्कार के नाम पे MLA है, लेकिन आज तक सारे मुस्लिम लेके जा रहे हैं, उन जो सुरु वैली जो है जोड़ दिया गया था उन लोगों ने, ये कैरी मैंडरिंग किया गया जो पॉलिटिकल टर्म है। हम चाहते हैं कि इसी मौके के अंदर हम भी वहाँ से छुटकारा पा सके, कि हमारा भी असली में MLA हो, जिसको हम संस्कार MLA बोलते हैं लेकिन आज तक रिप्रेजेंट कोई और कर रहा है, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है, हम इसका भी एक उम्मीद करते हैं इसमें।